नमस्ते फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में सबसे पहले सुबह अभियंग पाउडर का यूज करते हुए कान्हा को स्नान कराती हूँ। अभियंग पाउडर एक केमिकल रहित पाउडर है और सारी देवी प्रतिमाओं को मैं इसी से स्नान कराती हूँ। इसे रगड़ने के बाद शुद्ध गंगा जल मिश्रित पानी से इनको स्नान अच्छी तरह से करा देती हूँ और कराने के बाद इन्हें नए वस्त्र धारण सुबह करवाती हूँ और नए वस्त्र धारण करने के बाद थोड़ा इनका श्रृंगार भी कर लेती हूँ। श्रृंगार करने के बाद मैं इन्हें दूध का भोग लगाती हूँ जो कि इलायची और मिश्री युक्त दूध रहता है। और दूध का भोग लगाने के बाद मैं फलों का भी भोग सुबह सुबह लगा देती हूँ। सुबह फलों के भोग लगाने के बाद मैं इनका आरती और भजन करती हूँ, धूप दीप दिखाती हूँ और धूप दीप दिखाने के बाद दोपहर के समय इन्हें मखाने का भोग लगाती हूँ। मखाने के भोग लगाने के बाद मैं इसका प्रसाद बनाने के लिए चली जाती हूँ। प्रसाद में मैं मावा पाक बना रही हूँ जिसमें मैंने सारे नट्स को थोड़ा सा घी में फ्राई कर लिया है और फिर इसे ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद फिर एक मैंने गोला ग्राइंड नहीं किया है, गोला को मैंने कद्दूकस कर लिया है और फिर एक कढ़ाई में थोड़ा घी डालने के बाद गुड़ डाल देती हूँ। और जैसे ही ये गुड़ मेल्ट हो जाता है मैं सारे नट्स जो ग्राइंड किया हुआ है इसमें इसे मिला देती हूँ और फिर ठंडा करने के लिए एक परात में घी लगा करके उसे फैला देती हूँ और फिर बर्फ़ी के आकार का काट देती हूँ। ये कान्हा के लिए बहुत अच्छा प्रसाद भोग के लिए बन के तैयार हो जाता है। फिर शाम के समय में फिर मैं धनिया की पंजीरी का प्रसाद भी बनाती हूँ और धनिया का पंजीरी का प्रसाद बनाने के बाद 8 बजे के लगभग मैं कान्हा को फूलों के अंदर ढक करके रख देती हूँ एक खीरे के साथ। और 12 बजे जैसे ही खीरे को एक सिक्के के हेल्प से सामने की ओर कट कर देती हूँ, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो नाल कटता है उसी तरह से। उसके बाद फिर मैं इन्हें जन्मोत्सव के अवसर पर पंचामृत से स्नान कराती हूँ। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पहले मैं दही दूध का यूज़ करती हूँ, फिर दही का यूज़ करती हूँ, फिर मधु का यूज़ करती हूँ, फिर घी का यूज़ करती हूँ, फिर अंत में बूरा का यूज़ करती हूँ। सारे यूज करने के बाद फिर शुद्ध गंगा जल मिश्रित पानी से स्नान करा देती हूँ। स्नान कराने के बाद फिर इनका श्रृंगार करना शुरू करती हूँ। श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले मैं इन्हें वस्त्र पहनाती हूँ जो पीले रंग के वस्त्र हैं और वस्त्र पहनाने के साथ साथ इन्हें अलग अलग आभूषणों से इनका श्रृंगार करती हूँ। और श्रृंगार करने के बाद इन्हें पगड़ी पहनाती हूँ और पगड़ी पहनाने के बाद इन्हें झूले में बैठा देती हूँ। झूले में बैठाने के बाद इन्हें एक मोगरे का माला और एक गुलाब का फूल अर्पित करती हूँ और झूले में झुलाने के साथ साथ इन्हें भोग भी चढ़ा देती हूँ। और भोग में मैं जो बनाई थी जिसमें पंचामृत और माखन मिश्री और धनिया की पंजीरी, पेड़े और पाक जो मावा पाक मैंने बनाया था वो भोग लगाती हूँ और फिर इस तरह मैं अपने जन्माष्टमी सेलिब्रेट करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड।